आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये जोरदार हंगामे की तस्वीरें कैथल की हैं। महिलाएं हाथ जोड़ती नजर आईं। आपको बता दें आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जो ये समाज को तोड़ने का काम चल रहा है धन बल से पैसे दे दे के हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है गरीब लोगों को भाई ये यीशु की प्रार्थना करो आपके संकट कट जाएंगे। अब किसी की रीढ़ में फ्रैक्चर हो रहा है यीशु का नाम लेने से कैसे ठीक हो जाएगी। ऐसे गरीब लोगों को ऐसे प्रलोभन दे देंगे पैसे दे देंगे बेचारों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो कैथल से निकल करके आया है। मैं आपको बता दूं कैथल हरियाणा में पड़ता है और वहां पर एक हॉल रेंट पर लेकर के चंगाई सभा कुछ मसीह लोग कर रहे थे, लेकिन वहां से किसी ने फोन करके सूचना हिंदू संगठन के लोगों को दे दी और उन्होंने वहां पर आकर के पुलिस को बुला करके जो बवाल किया, अभी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। उल्टे सीधे जो बयान मसीह लोगों को लेकर के यीशु मसीह को लेकर के दिए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठन के लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ पर विरोध किया कि वहाँ की जो मसीह महिलाएँ थीं उन्होंने हाथ तक जोड़े, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। दिखाई दे रही ये जोरदार हंगामे की तस्वीरें कैथल की हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच खूब विवाद हुआ। महिलाएं हाथ जोड़ती नजर आईं। आपको बता दें आखिरकार पूरा माजरा क्या है। दरअसल कैथल स्थित एक वाटिका में पिछले कई दिनों से ईसाई मिशनरी कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी सूचना किसी ने फोन करके हिंदू संगठनों को दे दी। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पहुंच गए और पैसे देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम का विरोध करने लगे, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत कराया गया। जो ये समाज को तोड़ने का काम चल रहा है धन बल से पैसे दे दे के हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है गरीब लोगों को भाई ये यीशु की प्रार्थना करो आपके संकट कट जाएंगे। अब किसी की रीढ़ में फ्रैक्चर हो रहा है यीशु का नाम लेने से कैसे ठीक हो जाएगी। ऐसे गरीब लोगों को ऐसे प्रलोभन दे देंगे पैसे दे देंगे बेचारों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। 3 दिन से ये पहले से बुक था, कोई तमिलनाडु से आया हुआ, कोई केरला से आया हुआ, बताओ यहाँ इतनी दूर आके कोई सेवा करता है किसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाली 19 जून को परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं एक खास चंगाई सभा को लेने के लिए, जिसमें आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आप सबको परमेश्वर के वचन से तृप्त किया जाएगा। कैसी बीमारी कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो आपके लिए दुआएं की जाएंगी। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, या आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष नहीं है, डॉक्टर आपको मना कर चुके हैं कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकते, तो आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। यह चंगाई सभा 19 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अंबेडकर भवन झंडे वाला में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको यह एड्रेस दिख रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने देखा कैसे वहां पर जो मसीह महिलाएं थी वो हाथ जोड़ रही थी। वो मसीह महिलाएं इस बात को चाहती थी कि वहां पर कोई भी कलेश ना हो, फालतू का बखेड़ा ना खड़ा हो और जो भी ये विरोध हो रहा है ये खत्म हो जाए। वहां पर मसीह महिलाओं को हाथ तक जोड़ने पड़े और उसके बाद दोस्तों आपने इस व्यक्ति के बयान को सुना कि इस व्यक्ति का क्या कहना है कि चंगाई के नाम पर ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पाखंड है। तरह तरह की बातें दोस्तों ये व्यक्ति बोलता है, तरह तरह के सवाल ये व्यक्ति उठाता है, लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि क्या किसी व्यक्ति ने इसको बोला है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, या किसी ने इसको गवाही दी है वहाँ पर कि वहाँ पर मैं वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर धर्म परिवर्तन के विषय में बताया जा रहा था, या कोई इसके पास वीडियो हो। फिर दोस्तों इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि जो यहाँ पर इन्होंने पैलेस बुक किया हुआ था, जो हॉल बुक किया हुआ था, उसमें सेवा करने के लिए जो लोग हैं, कोई केरला से आया है, कोई कहीं से आया हुआ है, तो क्या कोई इतनी दूर अपनी स्टेट को छोड़कर सेवा करने आता है क्या। तो मैं इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, अगर नहीं आता है तो बागेश्वर धाम वाला बाबा है जो इनके हिंदू धर्म में आप जानते हैं, वो क्यों दूसरी दूसरी स्टेटों में जा करके अपने सत्संग को करता है, क्यों जो इसके दूसरे बाबा हैं जो हिंदू धर्म के जो प्रचारक हैं वो क्यों दूसरी जगहों पर जा करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं, गीता से प्रचार करते हैं, अपनी धर्म पुस्तकों से प्रचार करते हैं। क्या बागेश्वर धाम वाला बाबा मुंबई में नहीं गया, क्या बागेश्वर धाम वाला बाबा अमृतसर में नहीं आया था, अगर वो लोग आ सकते हैं तो क्यों मसीह लोग केरला से नहीं आ सकते। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पास्टर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है मीटिंग में प्रीच करने के लिए, तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये तो सिर्फ केरला की बात है, लोग बाहर से भी किसी को बुला लेते हैं, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से,
अपनी चर्च में प्रीच करने के लिए, कलीसिया के अंदर प्रीच करने के लिए परमेश्वर के वचन से। ये तो सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं जो इस व्यक्ति ने की हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।